नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। एक साल पहले महज 251 रुपए में फ्रीडम 251 नाम से स्मार्टफोन लॉन्च करके नोएडा सेक्टर 63 की रिंगिंग बेल्स कंपनी ने खलबली मचा दी थी। इस मोबाइल फोन के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू होते ही कंपनी की वेबसाइट बार बार क्रैश हो रही थी और इस वजह से बड़ी संख्या में लोग मोबाइल बुक करवाने के लिए कंपनी के ऑफिस भी पहुंच गए। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कंपनी के ऑफिस पहुंचने पर दिन भर हंगामा होता रहा। मोबाइल खरीदने वालों के अलावा इसका डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए कई कारोबारी भी कंपनी के ऑफिस के चक्कर काटते दिखे। कंपनी की चर्चा हर तरफ थी और इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश भी की इस कंपनी ने। अभी कंपनी का प्लान पूरी तरह से परवान भी नहीं चढ़ा था। इस बीच कई तरह की खबरें भी आने लगी। लोगों ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन बुकिंग करवाते वक्त उनके अकाउंट से जो पेमेंट हुआ था लेकिन उसकी रसीद तो नहीं मिली। उसी वक्त कंपनी के फर्जी होने की नेशनल कंज्यूमर फोरम में शिकायतें भी की गई और कंपनी ने कुछ दिन बाद दावा किया कि 25 लाख फोन बुक किए गए और जल्द ही सस्ता स्मार्ट टीवी लाने की भी बात कही। कंपनी ने दावा किया कि बुकिंग करवाने वालों को जून 2016 तक फोन उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। हालांकि कुछ दिनों बाद ही बवाल बढ़ते देख कंपनी ने प्री बुक करवाने वाले ग्राहकों के पैसे लौटाने की बात कह दी। आपको बता दें कि एक तरफ कंपनी पर आरोपों का सिलसिला रुक नहीं रहा था। कंपनी नोएडा से अपना ऑफिस शिफ्ट करने में लगी थी। कंपनी ने कोर्ट को बताया कि जिन लोगों को मोबाइल फोन नहीं मिल सके हैं उसका पेमेंट गेटवे से लौटा दिया जाएगा। कुछ वक्त पहले ही कंपनी के डायरेक्टर मोहित गोयल ने डायरेक्टर का पद छोड़कर अपने भाई को कंपनी की कमान सौंप दी और इस बीच मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने इस कंपनी को क्लीन चिट भी दे दी। हालांकि इसी साल 23 फरवरी को कंपनी के एमडी पद छोड़ चुके मोहित को 16 लाख रुपए की पेमेंट के विवाद में गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।